हाय फ्रेंड्स, मैं हूं हफीज। आप देख रहे हो हिंदी टेक क्यूट्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको व्हाट्सएप के कुछ हिडन ट्रिक्स, हिडन सीक्रेट्स के बारे में बताता हूं। इसके जरिए आप बहुत से काम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या है, कैसे करते हैं, देखने के लिए ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए देखते रहिए हिंदी टेक क्यूट्स। फ्रेंड्स, इसमें पहला जो ऐप है उस ऐप का नाम है सेकंड लाइन। इस ऐप का इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल में बिना मोबाइल नंबर का व्हाट्सएप चला सकते हो। ठीक है, तो देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सेकंड लाइन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देता हूँ। आपको इसे लिंक इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है और बाद में इसको ओपन करना है। ठीक है, तो बहुत आसान है। उसके लिए देखिए आप यहाँ अपना ईमेल आईडी, बाद में नीचे पासवर्ड डाल दीजिए। ठीक है, तो आप जो चाहे वो ईमेल आईडी डाल सकते हो, यानी एक लीगल ईमेल आईडी ही नहीं, @gmail.com जो भी डाल सकते हो। ठीक है, बाद में देखिए आपको यहाँ सेटअप करना है, नॉट नाउ पर नहीं, सेटअप पर क्लिक करना है, बाद में अलो बटन पर प्रेस कर देना है। ठीक है, तो आने के बाद इसके बाद देखिए आपको यहाँ यूज़ माई लोकेशन है ना, इसको प्रेस करिए। इसको प्रेस करने के बाद दोबारा से अलो करने के लिए कहेगा, अलो कर दीजिए। अलो करते ही क्या होगा, देखिए आपके पास बहुत सारे नंबर्स आ जाएंगे यहाँ। ठीक है, तो इस नंबर्स का इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप चला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए चेंज एरिया कोड है ना ऊपर, इसको क्लिक करके आपके मर्ज़ी का जो कुछ भी एरिया कोड डालकर आप उसके मुताबिक नंबर्स जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने 612 डाला था, तो 612 के मुताबिक देखिए यहाँ बहुत सारे नंबर्स आ चुके हैं। आने के बाद देखिए आपको जो कुछ भी नंबर चाहिए इसमें से उसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे कंटिन्यू बटन है ना, कंटिन्यू बटन पर प्रेस करते ही आपके पास देखिए इस तरह का एक स्क्रीन आ जाएगा। आने के बाद देखिए आप क्या कर सकते हो, इस नंबर का इस्तेमाल करके अपना खुद का व्हाट्सअप बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए यही नंबर से व्हाट्सअप चलेगा। तो इसको कॉपी करने के लिए यहाँ 3 डॉट्स क्लिक करके वहाँ ऊपर जो कुछ भी नंबर है ना उसको क्लिक करिए। क्लिक करते ही वो क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपी होने के बाद आप देखिए इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए। बाद में आपके मोबाइल पर जो कुछ भी व्हाट्सएप इंस्टॉल है ना, जैसे देखिए मैं यहाँ GB व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है, तो इस पर जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ देखिए अग्री एंड कंटिन्यू पर जाता हूँ। जाने के बाद आप इसमें यहाँ कंटिन्यू प्रेस करिए, अलो प्रेस कर दीजिए। अलो प्रेस करने के बाद यहाँ वो जो कुछ भी नंबर आपने कॉपी किया था ना उसको पेस्ट करिए। ठीक है, उससे पहले देखिए आप यहाँ कंट्री कोड 1 डाल दीजिए, यानी ये यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर है इसलिए कंट्री कोड 1 डालकर यहाँ नेक्स्ट बटन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट बटन प्रेस करते ही देखिए आपको इस तरह जब जब इनवैलिड नंबर बोल के आएगा। ठीक है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको दूसरा नंबर जनरेट करना पड़ेगा। तो याद रखिए इसमें 60% नंबर ही काम करते हैं, 40% नंबर्स काम नहीं करते हैं। ठीक है, तो दोबारा से मैं यही ऐप पर आता हूँ। आने के बाद देखिए यहाँ सेटिंग्स पर जाकर इसको पहले लॉगआउट कर देता हूँ। लॉगआउट करने के बाद दूसरी ईमेल आईडी से इसमें लॉगिन करता हूँ। ठीक है, तो दूसरी ईमेल आईडी देखिए आप जो कुछ भी आपकी मर्ज़ी डाल दीजिए, जो कुछ भी पासवर्ड चाहते हो वो डाल दीजिए। ठीक है, @gmail.com डाला है ना मैं, वो ईमेल आईडी मेरी नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो कुछ भी ईमेल आईडी डालकर क्रिएट बटन प्रेस करते हैं, आपके पास दूसरा नंबर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप जितने चाहे उतने नंबर्स ले सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ से दूसरा नंबर लेता हूँ, दूसरा नंबर जनरेट कर चुका हूँ। करने के बाद दोबारा से यहाँ जाता हूँ। जाने के बाद यहाँ फिर दोबारा से इसको क्लिपबोर्ड पर कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ व्हाट्सअप पर जाता हूँ, पिछला वाला जो कुछ भी नंबर था ना उसको हटा देता हूँ और यहाँ जो कुछ नया नंबर कॉपी किया था ना उसको पेस्ट करके नेक्स्ट बटन प्रेस करता हूँ। नेक्स्ट बटन प्रेस करने के बाद देखिए ये मुझको OTP भेजने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, इस नंबर पर, तो ओके बटन प्रेस करता हूँ। ओके बटन प्रेस करते ही क्या होगा, मेरे पास एक OTP आनी चाहिए। ठीक है, तो ये OTP के लिए देखिए पहले यहाँ कंटिन्यू बटन प्रेस कर दीजिए। कंटिन्यू बटन प्रेस करके अलो बटन प्रेस कर दीजिए। अलो बटन प्रेस करने के बाद देखिए ये OTP आने के लिए मेरे पास 1 आवर पूछ रहा है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, 1 आवर रुकने से बेहतर आप यहाँ कॉल मी है ना, उस कॉल मी को प्रेस करते ही आपको तुरंत कॉल आ जाएगा। तो मैं यहाँ कॉल मी बटन प्रेस कर देता हूँ। कॉल मी बटन प्रेस करने के बाद जो कुछ भी मेरे पास नंबर आता है ना उसको यहाँ डायल करता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक नंबर आया है 628412 नाम का। ठीक है, तो यहाँ डालने के बाद देखिए ये मेरा वेरीफाई हो जाएगा। देखिए यहाँ मेरा नाम आ चुका है, मैं इसको हटा देता हूँ और दोबारा से यहाँ नेक्स्ट दूसरा कोई भी एक नाम डाल देता हूँ, जैसे डमी डालता हूँ। ठीक है, डमी नंबर डाल के यहाँ नेक्स्ट बटन प्रेस करता हूँ, तो देखिए मेरा वो नंबर से व्हाट्सअप क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए आप इसको सिर्फ लीगल के लिए इस्तेमाल करिए, लीगल तरीके के लिए ही, इलीगल तरीके के लिए मत इस्तेमाल करिए। तो मैं आपको प्रूफ करता हूँ। देखिए यहाँ दोबारा से डमी पर जाकर इसको टैप करता हूँ ना, तो देखिए मेरा व्हाट्सअप का नंबर इस नंबर से क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से व्हाट्सअप नंबर पर बिना कोई नंबर के रहने पर भी आप व्हाट्सअप चला सकते हो, दूसरा कोई भी एक नंबर लेकर।
ठीक है। तो बाद में देखिए इसमें साथ चैट भी करना चाहते हो तो दूसरों के साथ चैट भी कर सकते हो। तो देखिए हम लोग व्हाट्सएप पर किसी का स्टेटस देखते हैं तो उनका उनको दिख जाता है ना, ताकि हम लोग उनका व्हाट्सएप देख चुके हैं। तो उसके लिए देखिए आप ना ये ना चाहते हो तो आप अपना व्हाट्सएप के सेटिंग्स पर जाइए। सेटिंग्स पर जाने के बाद यहाँ प्राइवेसी होता है ना, प्राइवेसी पर जाने के बाद रीड रिसिपेट्स है ना, इस टिक को हटा दोगे ना तो अगर आप दूसरों का व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो ना तो भी उनको नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो आप देखने के बाद दोबारा से इसको टिक लगा लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहते हो कि दूसरे बंदे को ना पता चले तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत यूज़फुल ट्रिक है, एक बार ट्राई करके देखिए। इस तरह देखिए आप किसी को कोई फ़ोटो भेजना चाहते हो तो देखिए आप बार बार गूगल पर जाकर उसको ढूंढने की बेहतर देखिए आप शायरी भेजना चाहते हो या जो कुछ भी हीरो का पिक्चर हीरोइन का पिक्चर जो कुछ भी भेजना चाहते हो तो उसके लिए देखिए आपको यहाँ एक गूगल का सिंबल दिख रहा है ना, इसका इस्तेमाल करके आप आसानी से फ़ोटोज़ भेज सकते हो, ठीक है। तो यहाँ मैं गूगल को ऊपर टैप करता हूँ, जी के ऊपर टैप करने के बाद यहाँ बेबी टाइप करता हूँ, टाइप करने के बाद सर्च करता हूँ। सर्च करते ही देखिए मेरे पास यहाँ बहुत सारे फ़ोटोज़ आ जाएंगे। जैसे देखिए जिफ है ना, जिफ में चाहता हूँ तो मैं जिफ को भी ला सकता हूँ। लाने के बाद देखिए यहाँ बहुत सारे जिफ के इमेजेस मुझको देखने लग जाएंगे, ठीक है, देखने के लिए मिल जाएंगे। तो बाद में आपको करना क्या है, आपको जो कुछ भी फ़ोटो पसंद आता है ना उसको टैप करिए और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ठीक है। तो इसके लिए देखिए आपको गूगल पर जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से ही सेलेक्ट करके सेंड कर देने से वो उन लोगों के पास चला जाएगा, इससे आपका बहुत टाइम बच जाएगा। तो बहुत अच्छा ट्रिक है, एक बार ट्राई करके देख सकते हो। इस तरह देखिए और एक ट्रिक है, दोबारा से आप ये जी है ना इसको ही टैप करिए। टैप करने के बाद अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है ना तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में भेज सकते हो। जैसे देखिए यहाँ ट्रांसलेट का बटन प्रेस करता हूँ, प्रेस करने के बाद यहाँ देखिए डिटेक्ट लैंग्वेज है ना फर्स्ट वाला, इसको टैप करिए। टैप करने के बाद अब सिर्फ आपको हिंदी आती है तो यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, या आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ, बाद में दूसरे टैब में से देखिए यहाँ तेलुगु सेलेक्ट करता हूँ। अगर आप दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हो तो दूसरी लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ देखिए नीचे स्क्रॉल करते हुए जाकर यहाँ से मेरे नेटिव लैंग्वेज तेलुगु सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ मैं जो कुछ भी इंग्लिश में लिखता हूँ ना तो देखिए वो ऊपर तेलुगु में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो कुछ भी लैंग्वेज होती है ना उसको टाइप कर सकते हो। यानी देखिए अगर आप हाउ आर यू टाइप करते हो तो उन लोगों की नेटिव लैंग्वेज में वो क्या बोलते हैं वही आ जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये इसका अच्छा फीचर है। जैसे देखिए आपको सिर्फ हिंदी आती है तो आप हिंदी में टाइप करते हो तो ऑटोमेटिक इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ हाउ आर यू टाइप करता हूँ ना तो देखिए उसका ट्रांसलेशन ऑटोमेटिक ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हो। अगर देखिए इसको स्वैप करता हूँ ना, ये बीच में वाला बटन है ना, तो देखिए मैं यहाँ इसको स्वैप करता हूँ, उधर का इधर, इधर का उधर टैप स्वैप करता हूँ बीच में वाला का बटन दबा के। बाद में देखिए आप यहाँ नीचे आकर जो कुछ भी तेलुगु में टाइप करते हो ना, यानी आप अगर हिंदी लेते हो तो हिंदी में टाइप करते हो ना तो ऑटोमेटिक ऊपर वो इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई भी लैंग्वेज ना आती हो तो भी आप दूसरों के साथ चैट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए अगर आपका स्टेटस आप लगाते हो ना तो सिर्फ आप जिसको भी सेलेक्ट करते हो ना उसको ही दिखे। तो देखिए इसके लिए आप अकाउंट पर जाइए, दोबारा से आप प्राइवेसी पर जाइए। प्राइवेसी पर जाने के बाद यहाँ स्टेटस पर जाइए। स्टेटस पर जाने के बाद ओनली शेयर विथ है ना, ये ओनली शेयर विथ पर क्लिक करोगे ना तो सिर्फ उन लोगों को ही आपका स्टेटस दिखाई देगा, दूसरों को नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो आप चाहते हो आपकी सिर्फ गर्लफ्रेंड को ही आपका स्टेटस दिखे, दूसरों किसी को ना दिखे, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह देखिए और एक ट्रिक है, अकाउंट पर जाइए। अकाउंट पर जाने के बाद यहाँ रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो है ना, इसको टैप करते ही देखिए आपको 3 दिन के बाद एक मेल मिलेगा। उस मेल में क्या क्या होगा देखिए, आपके मोबाइल के सारे डिटेल्स, यानी आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हो, आपका प्रोफाइल पिक, आपके कॉन्टैक्ट्स, यानी आपके व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स, ये सब देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो कोई भी बंदा आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट जानना चाहता है तो आप वो क्या कर सकता है देखिए, सिंपली आपका मोबाइल लेकर व्हाट्सएप का ईमेल एड्रेस चेंज करके आप वो 3 दिन के बाद जाएगा वो रिक्वेस्ट भी, ठीक है। तो 3 दिन के बाद उसके मोबाइल पर जाएगा, वो आपके सारे डिटेल देख सकता है। जैसे देखिए मेरे पास एक आ चुका है, हाँ आर्चिव में आता है वो आपके मेल पे आने के बाद देखिए इस तरह का माई अकाउंट इन्फो नाम का ऑप्शन आता है। आने के बाद एक्सेस HTML है ना, इसको प्रेस करिए। इसको प्रेस करने के बाद अगर आप देखिए क्रोम पर इसको ओपन करते हो ना तो देखिए जो कुछ भी वो मेरे फ़ोन के डिटेल्स है ना वो सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे मेरा मोबाइल का मैंने कब स्टार्ट किया है और
इसको कब जनरेट किया है, मेरे मैं ऑनलाइन हूँ या नहीं, और बाकी के सारे डिटेल्स, जैसे मैं कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ और मेरी प्रोफाइल पिक्चर और मेरे मोबाइल के सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेरा IMEI नंबर, ठीक है, जो कुछ भी होता है ना वो सब आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। तो बहुत यूज़फुल फीचर भी है आपके डाटा के बैकअप, यानी आपके व्हाट्सएप के कॉन्टैक्ट्स या आपके प्रोफाइल पिक्चर और बाकी के सबको बैकअप लेने के लिए अच्छा फीचर है, एक बार ट्राई करके देख सकते हो। अगर इसमें चार्ट भी आती तो मज़ा आ जाता, पर चार्ट नहीं आता, सिर्फ मोबाइल नंबर से ही आते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो जो कुछ भी आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्वाइन होते हो ना वो सब भी आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं। नेक्स्ट फीचर देखिए, अगर आपको कोई ब्लॉक करता है तो आप कैसे जान सकते हो वो बंदा आपको ब्लॉक किया है, तो देखिए उसका कॉन्टैक्ट ओपन करते हो, कॉन्टैक्ट ओपन करने के बाद अगर लास्ट सीन दिखाई देता है तो वो आप समझ सकते हो कि उसने आपको ब्लॉक नहीं किया है, अगर लास्ट सीन नहीं दिखाई देता है तो नहीं, ठीक है, ब्लॉक किया है। तो उसे बेहतर देखिए आप और एक काम भी कर सकते हो, आप अपना खुद का एक ग्रुप क्रिएट कर दीजिए, ठीक है, न्यू ग्रुप पर जाइए, न्यू ग्रुप पर जाकर ग्रुप क्रिएट करके जिसने भी आपको ब्लॉक किया है ना उस बंदे को आप अपने ग्रुप पर ऐड करते हो ना, तो वो कॉन्टैक्ट वो ग्रुप में ऐड होता है तो समझिए उसने आपको ब्लॉक नहीं किया है, अगर उसने ब्लॉक किया होता हो तो आपके ग्रुप में वो ऐड नहीं होगा, इस तरह से आप जान सकते हो उसने ब्लॉक किया है या नहीं, ठीक है। इसी तरह देखिए और एक अच्छा सेटिंग है, सेटिंग्स पर जाने के बाद डाटा एंड स्टोरेज यूसेज पर जाइए, जाने के बाद देखिए आपको यहाँ एक अच्छा ऑप्शन दिखाई देगा स्टोरेज यूसेज, इसका इस्तेमाल करके देखिए आप किसी के साथ चैट करते हो ना तो सिर्फ वो चैटिंग में जो कुछ भी इमेज भेज लेते हो ना उसको ही डिलीट करना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। या देखिए यहाँ स्टोरेज है ना, स्टोरेज यूसेज पर जाकर मैं दोबारा से जाता हूँ, जाने के बाद यहाँ आपको सारे कॉन्टैक्ट्स दिखाई देंगे, उस कॉन्टैक्ट्स को टैप करिए, टैप करने के बाद देखिए आप जो कुछ भी डिलीट करना चाहते हो सिर्फ वही डिलीट कर सकते हो, जैसे फ़ोटो शेयर किए हैं फ़ोटोज़ को, या जिफी में शेयर किए हो जिफी में इसको, या वीडियोज़ को शेयर किए हो वीडियोज़ को, या ऑडियो फाइल्स को, जो कुछ भी आप डिलीट करना चाहते हो सिर्फ उसको ही डिलीट कर सकते हो। उसके लिए देखिए आपको यहाँ नीचे एक मैनेज का बटन दिखाई दे रहा है ना, मैनेज मैसेजेस, इसको टैप करना पड़ेगा, टैप करके जो कुछ भी आप डिलीट करना चाहते हो ना सिर्फ उसको टिक रख के बाकी के सब को निकाल दीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ मैं वीडियोस को नहीं डिलीट करना चाहता हूँ तो वीडियोस को निकाल देता हूँ, फ़ोटोज़ को निकाल देता हूँ, सिर्फ जिफ और फोटोज़ जिफ को इमेज को डिलीट करना है तो जिफ सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ क्लियर मैसेज प्रेस करता हूँ ना तो वो सारे मैसेज क्लियर हो जाएंगे जिफ के।